हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेवल विद एवी में। आज हम जैन धर्म से जुड़ी इम्पोर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस को एक्सप्लोर करेंगे, जिसकी शुरुआत हम करेंगे कुंडलपुर से, जो कि महावीर जैन की जन्मस्थली है। इसके बाद हम विजिट करेंगे पावापुरी को, जो कि उनका निर्वाण स्थान है, और इस सफ़र का एंड हम करेंगे राजगीर के विरायतन में, जो कि इस समय जैन धर्म से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आश्रम है। चलिए मेरे साथ चलते हैं। कुंडलपुर बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट के बटगांव में स्थित है। इसकी दूरी नालंदा विश्वविद्यालय से लगभग 2 किलोमीटर के आसपास है। इस समय हम भगवान महावीर की जन्मस्थली में हैं, जो कि है कुंडलपुर, जहां का उन्हें राजकुमार भी कहा जाता है। यहीं पर जो है वो उनका जन्म स्थान है, और यहाँ पर अब एक भव्य मंदिर बना है जिसके हम दर्शन करेंगे। कुंडलपुर बिहार के सबसे महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थलों में से एक है। ये क्षेत्र काफी सारे प्राचीन जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर परिसर में भी 6 जैन मंदिर हैं। इन 6 मंदिरों में सबसे प्रमुख विश्व शांति तीर्थंकर महावीर मंदिर है। इस मंदिर में भगवान महावीर की लगभग 3.5 मीटर की एक प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा को राजस्थान के जैसलमेर से पत्थर लाकर तैयार करवाया गया था। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, और जैन धर्म के प्रसार में इनका योगदान सबसे महत्वपूर्ण था। इस मंदिर के साथ एक अन्य मंदिर भी है, जो जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थंकर ऋषभदेव का मंदिर है। शैव परंपरा में लिंग पुराण में ऋषभदेव को शिवजी के 28 अवतारों में से एक बताया गया। इस मंदिर में ऋषभदेव की एक विशाल प्रतिमा स्थापित है, जो उनकी ध्यान मुद्रा में बनाई गई है। इस मंदिर के साथ ही एक अन्य मंदिर भी है, जिसका नाम नवग्रह मंदिर है, जहां 9 प्रमुख तीर्थंकरों की मूर्तियां बनाई गई हैं। ये है नंदाव्रत महल, जो प्राचीन लिच्छवी साम्राज्य का एक महल की तर्ज पर बनाया गया है। माना जाता है महावीर जैन का जन्म इसी प्रकार के एक महल में हुआ था। महावीर जैन लिच्छवी साम्राज्य के राजकुमार थे, और कुंडलपुर लिच्छवी साम्राज्य की राजधानी था। उस वक्त ये महल 7 मंजिला होता था, पर इसको इस वक्त यहाँ पर 7 मंजिला दिखाया तो गया है, पर अंदर केवल 3 मंजिले हैं, क्योंकि अगर 7 मंजिला बनाया जाता तो ये फिर महावीर मंदिर से बड़ा हो जाता, जिस कारण इसे केवल 3 मंजिला ही अंदर से बनाया गया है। इस मंदिर के अंदर महावीर जैन के जीवन से संबंधित कई दृश्यों को दिखाया गया है, उनकी झांकियां तैयार की गई हैं। इस महल की खिड़कियों से आपको पूरे मंदिर परिसर का नजारा देखने को मिलता है। साथ साथ आप यहाँ इस परिसर में मौजूद 6 मंदिरों को एक साथ यहाँ से देख सकते हैं। कुंडलपुर के इस तीर्थ स्थल में रहने की भी उचित व्यवस्था है। हर तीर्थयात्री यहाँ पर एक पर्ची कटवाकर रह सकता है, और साथ ही पास में मौजूद भोजशाला से दिन का खाना भी मुफ्त में खा सकता है। कुंडलपुर शहर बेहद प्राचीन है, यह लगभग 2500 वर्ष पुराना है। यहाँ अनेक ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। स्पेशली जो जैन धर्म के श्रद्धालु है, वो यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। इस क्षेत्र को बिहार में जैन टूरिज्म सर्किट के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जिससे कि जैन दर्शनार्थियों को और तीर्थयात्रियों को यहां पर लाया जा सके और उनको इस पवित्र भूमि के दर्शन करवाए जा सके। इस क्षेत्र में एक विशाल सूर्य कुंड भी है, जहां पर पूरे नालंदा डिस्ट्रिक्ट के लोग आकर छठ पूजा मनाते हैं। तो अब हम अपने जैन तीर्थस्थली यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, और कुंडलपुर से 20 किलोमीटर दूर पावापुरी चलते हैं। पावापुरी को जैन धर्म में मोक्ष स्थली कहा जाता है, क्योंकि महावीर जैन ने अपने जीवन के अंतिम समय इसी भूमि में बिताए थे। जैन धर्म में 2 प्रमुख मठ हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर के संस्थापक महावीर जैन हैं, तो श्वेतांबर के संस्थापक महर्षि पार्श्वनाथ थे। पावापुरी के अनेक मंदिर दिगंबर जैन मंदिर हैं। इस वक्त हम दिगंबर जैन सम्मो शरण मंदिर में हैं, जहां महावीर जैन ने अपने अंतिम दर्शन दिए थे।
ये वही स्थल है जहां महावीर जैन ने अपने अंतिम दर्शन अपने अनुयायियों को दिए थे, जिसके बाद उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। पावापुरी वह स्थली है जहां पर कि महावीर जैन के अंतिम समय की यादें हैं। इसी वजह से इस जगह की महत्वता जैन अनुयायियों में काफ़ी ज़्यादा है। मेरे पीछे जो स्थल अभी आप देख रहे हैं, ये वही स्थान है जहां पर कि उन्होंने अपने अंतिम समय में अपने अंतिम दर्शन लोगों को दिए थे। इस मंदिर में भी महावीर जैन की एक विशाल मूर्ति स्थापित की गई है। अच्छा, अपने इस जगह पे 2003 में ज्ञानमती माता जी मंदिर बनवाए। अच्छा जी। अच्छा, तो इन्होंने अपना अंतिम जो आपका लोगों को दर्शन है और जो लोगों से बातचीत की वो यहाँ पर करी थी। अच्छा, ये मंदिर 2003 में बना है। ठीक, धन्यवाद। दिगंबर जैन सम्मो शरण मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर है भगवान महावीर स्वामी की निर्वाण भूमि। ये वही भूमि है जिसमें आज से लगभग 2600 साल पहले महावीर जैन ने निर्वाण प्राप्त किया था। इसी स्थल पे भगवान महावीर जैन ने 72 वर्ष की आयु में निर्वाण प्राप्त किया। इसी मंदिर स्थल पे भगवान महावीर जैन ने 48 घंटों तक देशना करते हुए निर्वाण प्राप्त किया। मंदिर के अंदर भगवान के चरणों को मूर्त आकार देकर पूजा जाता है। इस मंदिर के अंदर मौजूद भगवान की मूर्ति भी लगभग 2000 साल पुरानी है। भगवान महावीर जैन के निर्वाण प्राप्त करने के बाद उनके बड़े भाई नंदी वर्मन द्वारा उनके चरणों को मूर्त आकार देकर यहां पावापुरी में 3 जगहों पर स्थापित किया गया, जिसमें पहला ये निर्वाण भूमि, दूसरा प्रसिद्ध जल मंदिर और तीसरा सम्मो शरण मंदिर है। भगवान महावीर जैन द्वारा निर्वाण प्राप्त दिवाली की रात किया गया था, इसीलिए यहाँ पर दिवाली काफी भव्य मनाई जाती है। यहाँ के दिवाली का उत्सव 8 दिन तक चलता है, जिसमें आधे मन का भगवान को लड्डू चढ़ाया जाता है। पावापुरी की इस निर्वाण भूमि के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं पावापुरी के सबसे प्रसिद्ध जल मंदिर में, जहाँ भगवान महावीर जैन की समाधि स्थापित की गई थी। पावापुरी स्थित ये जल मंदिर सुबह 7:30 बजे से खुल जाता है और रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। इस मंदिर का निर्माण महावीर जैन के बड़े भाई नंदीवर्धन द्वारा किया गया था। इसे हम भगवान महावीर जैन का समाधि स्थल भी कह सकते हैं। राम राम दोस्तों, सुबह का समय है और इस समय हम जैन धर्म के बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल पावापुरी में हैं। यहाँ जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर जैन की चरण पादुकाएं स्थापित हैं, जो कि एग्जैक्टली उस स्थान को दर्शाती हैं जहां पर उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। चलिए इस मंदिर को अंदर से निहारते हैं और आपको इसके बारे में और रोचक बातें बताएंगे। चलिए। कुछ प्राचीन जैन मान्यताओं के अनुसार भगवान महावीर जैन की अंत्येष्टि करने के बाद जब उनकी अस्थियों को यहां रखा गया, तो उन अस्थियों को इकट्ठा करने के लिए भारी संख्या में लोगों ने यहाँ की मिट्टी को खोदना शुरू कर दिया, जिस कारण यहाँ पर काफी विशाल गड्ढा स्थापित हो गया, जिसमें आगे चल के ये झील बनी। कमल के फूलों से सुसज्जित इस झील के बीचों बीच जल मंदिर स्थापित है। जल मंदिर को रथ के आकार में तैयार किया गया है और झील से मंदिर तक पहुंचने के लिए 600 फुट लंबा एक ब्रिज बनाया गया है। दिवाली के दिन इस मंदिर में काफी भीड़ रहती है, क्योंकि उसी दिन भगवान महावीर जैन ने निर्वाण प्राप्त किया था और उसी दिन को यहाँ निर्वाण उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मंदिर की बनावट बहुत खूबसूरत है। मार्बल में मूर्तियों को गढ़कर इस मंदिर को तैयार किया गया है, जो बहुत खूबसूरत लगता है।
ये मंदिर का मुख्य परिसर है जिसके चारों तरफ तालाब है और कुंड के बीच में ये मंदिर बना है। मंदिर के अंदर महावीर जैन और उनके दो शिष्यों की चरण पादुकाएं स्थापित हैं। अब हम मंदिर के अंदर चलेंगे। दिवाली के दिन इस पूरे क्षेत्र को दीयों से सजाया जाता है और इसकी सुंदरता में चार चांद और लगा दिए जाते हैं। ये मंदिर कुल 84 बीघा क्षेत्र में फैला हुआ है जिसमें मंदिर परिसर और झील दोनों शामिल हैं। अभी हाल ही में बिहार सरकार द्वारा इस क्षेत्र में महावीर जयंती के समय एक महावीर मेला समारोह आयोजित करवाया जाता है जो 2 दिवस तक चलता है। भगवान महावीर स्वामी की चरण पादुकाओं के दर्शन करने के बाद भक्त इस मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं। ये है जल मंदिर का गर्भगृह जहाँ मौजूद है भगवान महावीर की चरण पादुकाएं और उनके साथ साथ उनके 2 प्रिय शिष्यों की भी चरण पादुकाएं। बिहार के इस क्षेत्र में गर्मी काफी होती है इसलिए यहाँ आने का बेस्ट सीजन है अक्टूबर से फरवरी के बीच। इस मंदिर की एक और विशेषता ये है कि इस झील में अनेक प्रकार के माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। सर्दियों में जब आप यहाँ आएंगे तो आपको अनेक प्रकार के माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर दिखेंगे। यहाँ मछलियों को खाना खिलाने की भी परंपरा है, इसीलिए इस मंदिर में आए श्रद्धालु मछलियों को भी खाना खिलाते हैं और पुण्य प्राप्त करते हैं। इस मंदिर के चारों ओर एक जॉगिंग ट्रैक भी निर्मित किया गया है जहां पर सुबह शाम आपको लोग जॉगिंग या वॉकिंग करते हुए दिख जाएंगे। पावापुरी में अनेक जैन मंदिर मौजूद हैं, जिनमें से कुछ दिगंबर मठ के तो कुछ श्वेतांबर मठ के मंदिर मौजूद हैं। अब हम श्री महावीर स्वामी जैन श्वेतांबर जिनालय मंदिर में प्रवेश करते हैं। ये मंदिर जलमहल के ठीक सामने है और इसकी सुंदरता देखते ही बनती है कि इसमें कितनी अच्छी तरीके से नक्काशियां और मूर्तियों को गढ़ा गया है। इस मंदिर परिसर में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। पावापुरी का अर्थ है पुण्य भूमि। इस भूमि से महावीर जैन की यादें जुड़ी हैं, उनके जीवन के महत्वपूर्ण पल यहाँ से जुड़े हैं, इसीलिए इस क्षेत्र के दर्शन करने से ही आपको पुण्य प्राप्त हो जाता है। पावापुरी के लगभग सभी महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के बाद अब हम यहाँ से 20 किलोमीटर दूर राजगीर में स्थित विरायतन के दर्शन करने के लिए आगे बढ़े। विरायतन बिहार के राजगीर में स्थित एक फेमस जैन संस्था है जिसकी स्थापना 1973 में आचार्य चंदना जी द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना भगवान महावीर जैन के 2500वें निर्वाण उत्सव के उपलक्ष में की गई थी। विरायतन 2 शब्दों से मिलकर बना है जिसमें वीर का अर्थ महावीर है और आयतन का अर्थ है पवित्र भूमि, तो ये महावीर की पवित्र भूमि है। विरायतन एक प्रमुख जैन संस्था है जो मानवता के काम में मानवता के कल्याण के लिए कार्य करती है। विरायतन 3 प्रमुख क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करता है, पहला शिक्षा, दूसरा मानवता का कल्याण और तीसरा साधना। विरायतन में भगवान महावीर के मंदिर के साथ साथ एक ब्रह्मी कला मंदिरम यानी कि एक म्यूजियम भी है
इस म्यूजियम में जैन धर्म के सभी 24 तीर्थंकरों के जीवन के दृश्य और किस्से कहानियों को प्रदर्शित किया गया है। विरायतन संस्था अनेक हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, धर्मशालाओं का संचालन करती है। यहाँ के मिनिएचर्स बहुत खूबसूरत हैं। इन्हें ब्रोकन ज्वेलरी, ब्रेड के टुकड़े, फैब्रिक और बेकार पड़ी पॉटरी से मिलकर बनाया गया है। अगर आपको कला में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो विरायतन आना बनता है। यहाँ आके आप कला का एक बेजोड़ नमूना देख सकते हैं। इस म्यूजियम में भगवान महावीर जैन के पूरे जीवन चक्र को प्रदर्शित किया गया है और उनके जीवन से जुड़ी हर घटना को यहाँ दिखाया गया है। विरायतन के ये सारे मिनिएचर्स आचार्य चंदना जी द्वारा ही तैयार किए गए हैं। ये इमेजिनेशन से प्रेजेंटेशन तक की उनकी कला को दर्शाते हैं। विरायतन संस्था को अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। विरायतन राजगीर के पंच पहाड़ियों में से पांचवी पहाड़ी वैभवगिरी की तलहटी पर मौजूद है। इसी स्थल पर भगवान महावीर जैन ने 14 साल साधना की थी, इसीलिए इस भूमि को भगवान महावीर जैन की साधना भूमि कहा जाता है। विरायतन में धर्मशाला की सुविधा भी मौजूद है, जिसमें आप रह भी सकते हैं और साथ में यहाँ खाना भी खा सकते हैं। खाना खाने के लिए भोजनालय का टाइमिंग सुबह 8 बजे से 9 बजे, दिन में 12 से 1 और शाम को 5 बजे से 6 बजे तक है। आचार्य चंदना जी को उनके सेवा, शिक्षा और साधना में किए गए प्रयासों के लिए 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। म्यूजियम के बाहर आते ही एक उद्यान है, जिसमें कई प्रकार के पेड़ और सुंदर सुंदर पौधे लगाए गए हैं। इसमें बिहार के प्रमुख जैन तीर्थ स्थलों के मिनिएचर्स भी तैयार किए गए हैं और एक मिनी टॉय ट्रेन भी यहां पर रन करती है। दोस्तों, अब वक्त हो गया है आपसे अलविदा कहने का। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो। हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जल्द ही एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।